मैं किशोर नारायण खजा, मैनेजिंग डायरेक्टर रोमसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको इस सभागृह के और इस हॉल के बनाने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे स्वर्गीय बाबा जी श्री रामलाल खन्ना जी, जिन्होंने रोमसो ग्रुप की स्थापना करी थी, वो 1970 से ही इस कुष्ठाश्रम से जुड़े हुए थे। हर हफ्ते वो डॉक्टर के एन सक्सेना स्किन स्पेशलिस्ट को लेके और ये कर्ण पिशौरी होते थे उनके साथ इस जगह पर आते थे, मेरे को साथ लेके आते थे, हमारे बुजुर्ग अपने मेरे पिताजी को साथ लेके आते थे और यहाँ पर इनकी सेवा किया करते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मेरे पिताजी श्री कमल नारायण जी खन्ना ने उसको चालू रखा और वो भी यहाँ पर रेगुलरली आते थे और इनकी कुछ आश्रम में जितने भी परिवार रहते हैं उनकी सेवा किया करते थे। उनकी बीमारी के निदान के बारे में दवा वगैरह खाने पीने के लिए जो भी है सामान गाँव से परिवार से आता रहता था। उसके बाद उनके पूरे होने के बाद मेरे चाचा जी श्री विजय खन्ना जी मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को चालू रखा और वो रेगुलरली यहाँ पर आते रहे और धीरे धीरे जो है इनके पुत्र और हमारे छोटे भाई विकास खन्ना हर शनिवार यहाँ आते हैं और आके यहाँ पर इनका दुख दर्द सुनते हैं, इनकी दवा दारू का इंतजाम करते हैं, सारी चीज़ों की देखते हैं। ये एक हॉल ऐसा बना हुआ था जो कि टूट टूट गया था। यहाँ पर जो जालमा में इलाज कराने आते हैं उनको रहने के लिए जगह कोई नहीं देता यहाँ पर, इसलिए उनको फ्री ऑफ चार्ज यहाँ रहने के लिए वो अस्पताल बनाया हॉल बनाया हुआ था जहाँ पर रहते थे, इलाज करा के वापस चले जाते थे। अब वो हॉल टूट फूट गया था। एक तो हमने उस हॉल की रिपेयरिंग कराई और वो करीब 1000 फुट का है और 1000 फुट का नया हॉल इसके पीछे और तैयार कराया ताकि जो कि संख्या बढ़ रही है मरीजों की उनको भी अकोमोडेट है, जिस हॉल में बैठे हैं वो नया हॉल बना है, ये भी 1000 फुट के करीब है। इसके ऊपर टोटल खर्चा करीब करीब 20 लाख रुपए का हुआ पूरे कार्यक्रम में और अभी भी कुछ खर्चा और होना बाकी है, जिसमें के जो आगे हॉल बना हुआ है उसमें और टाइले वाले लगा के सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये रोमसो ग्रुप की तरफ से CSR कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास किया गया है। मैं विजय कुमार खन्ना, चेयरमैन रोमसो। अभी अभी आपको श्री किशोर नारायण खन्ना हमारे MD जो हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। यहाँ का सेवा कार्य जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पूज्य पिताजी शुरू से ही लगे हुए थे और उन्होंने काफ़ी यहाँ सेवा कार्य करते थे और हम लोगों को उत्साहित करते कि भी ऐसे काम आप भी किया करो। प्रभु कृपा से उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और मेरे को खुशी है कि हमारे बाद जो फोर्थ पीढ़ी है, मतलब फोर्थ जनरेशन है, श्री विकास खन्ना, सौरभ खन्ना और हमारे और भी जो आगे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, वो सारे सेवा कार्य में मतलब काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि प्रभु की कृपा है कि हम लोगों के ऊपर के हम इसके ऊपर आगे और आगे कामयाब हो रहे हैं और यही हमारे ग्रुप की तरक्की का कारण भी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य हमेशा चालू रहे और हमारा ग्रुप जो है रोमसो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ऐसे ही कार्य करता रहे और ऐसे ही बढ़ता फूलता फलता रहे।